कैसे फंस गए? सपोज दैट आप जैसा स्कॉलर हैं, आपने काम किया, सुपरवाइजर ने चेक किया, उसको दे दिया, जब वो मार्केट में आया प्रोडक्ट, थीसिस आपकी मार्केट में आई, तो पता चला ये तो आपने इससे से कॉपी की। बुक देखते हैं कई बार एक दूसरे के, पता चलते बताते हैं ना, बुक नहीं मैच नहीं करते, या बर्ड किसी के ऐसे होते हैं कि इन्होंने जो बनाई थी वो उन्होंने बना दी, उन्होंने बनाई थी। अभी किसी ने बताया था मुझे फ़ोन करके, एक दिल्ली में कोई डोडिया करके हैं, उनके नोट्स आते हैं 2700 रुपये के। फ़ोन करके बच्चे बोल रहे थे कि उसमें नोट्स आते हैं 2700 रुपये के, बेचते हैं उसमें, बोले कुछ नहीं है सर, उससे अच्छी तो मैडम की बुक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है, तो उसके लिए पैरामीटर आपको ही डिसाइड करने पड़ेंगे। कि हम जब पता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो डिसाइड करने के लिए हमें क्या अपने पैरामीटर बनाने पड़ेंगे। और अपने पैरामीटर जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, अपने पदचिन्ह बनाते हैं। क्या करते हैं वो? अपने पदचिन्ह बनाते हैं। पहले कहते थे ना कि जो बड़े बड़े लोग थे उनके पदचिन्ह पर चलेंगे या किसके पदचिन्ह पर चलेंगे, तो बोलते थे ना। लेकिन आज की समस्या क्या है, आज की समस्या क्या है, आप ये कोई चाहते नहीं कि हमारे पदचिन्ह कोई बने उस पर आगे चलें। मैडम इतनी मेहनत करती हैं कि आपने सोचा कि मैडम की जगह काश हम बढ़ाना शुरू कर दें तो कैसा लगेगा हमें? सोचा किसी ने है कि मान लो थर्ड ग्रेड के इसके अलावा मैडम, मान लो बाई चांस कि आज यहाँ है कल नहीं है, मान लो, या कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसकी जगह कौन लेगा? तो हमें फ्यूचर अभी से डेवलप करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कर रहे हैं ना। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ युवा वो होता है, युवा जो युवा की डेफिनेशन होती है, वो होती है जब आपकी बॉडी में नया ब्लड बनता है, वो हमेशा युवा रहता है। बूढ़ा क्यों कहा जाता है हमसे? क्योंकि हमारे बॉडी में खून ही बनना बंद हो गया, इसलिए कहते हैं तुम तो बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, अब काम खत्म हो गया तुम्हारा, 60 साल बाद सरकार भी कह देती है। तो हमारा मतलब ये है कि हम जो इस फील्ड में जितना जोड़ेंगे, जितना भी जोड़ेंगे, उतना ही हमें फ़ायदा होगा। अब वो वर्ड पर आ जाते हैं प्लगिज्म पे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसमें सारा क्या होता है, उस वर्ड का हिंदी वर्ड है साहित्यिक चोरी। हमने अगर किसी का विचार चुराया है या कुछ भी चुराया है, तो चुराने के बाद हम अपनी बुक में छापेंगे, वो कहीं ना कहीं किसी के सामने जब आएगा तो पता लग जाता है। लेकिन अभी हिंदी में ऐसा कोई टूल्स डेवलप नहीं हुआ है जिसके लिए ये चेक किया जा सके हिंदी का, क्योंकि हिंदी सब जगह है नहीं। लेकिन इंग्लिश के लिए वर्ड आ चुका है, जबकि हमारा उस वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, किसने चोरी की, क्यों की, हम लाइब्रेरी, हमें क्या मतलब उससे, बताओ। चूँकि हमारे फील्ड का है, हमारे इंटरकनेक्टेड है, थीसिस हमारा लाइब्रेरी का पार्ट होता है, तो हमें उस बारे में जानकारी होना चाहिए। और इसीलिए लाइब्रेरियन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं लाइब्रेरियन को, क्या बोलते हैं नॉर्मली? वो तो उसको पर्टिकुलर बोलते हैं, टीचर ऑफ टीचर, क्या बोलते हैं? कई बार आपने मैडम का शायद एक्सपीरियंस रहा होगा, कई बार जब हमारे बीसी छुट्टी पे जाते थे ना, बीसी जब हमारा वाइस चांसलर छुट्टी जाता था, तो उसका चार्ज लाइब्रेरियन को मिलता था। ये मेरे मन में बहुत क्वेश्चन था, क्यों दिया जाता था उसे? मैंने बहुत इस पर सर्च की, बहुत क्वेरीसिटी की कि जब बीसी छुट्टी पे जाता है तो लाइब्रेरियन को चार्ज क्यों दिया जाता है, बताएंगे आप लोग कोई है? नहीं बताइए एक, हाँ थोड़ा थोड़ा बड़े उधर, हाँ आगे बढ़िए और बताइए, कोई है, कोई और किसी के मन में बताइए, उसका कारण बताएं आपको। क्या करते हैं हम जब ग्रेजुएशन करते हैं ना, तभी तो बीए करते हैं या बीलिप करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद एमलिप। अगर हमें एकेडमी जरूरत पड़ी तो हम उसके साथ में पीजी भी करते हैं, एमए भी करते हैं। तो उस ज़माने में एक ही बंदा पूरी यूनिवर्सिटी में होता था, डबल मास्टर और डबल बैचलर, डबल मास्टर होता था, कौन होता था? लाइब्रेरियन। इसलिए उस बिहाफ पे उसको चार्ज दिया जाता था हमेशा बीसी का। अगर ये मेरे मन में नहीं आता तो हम भी, हो सकता हम भी आपको नहीं बता सकते। तो इस तरह की जब तक क्यूरियोसिटी आपके अंदर नहीं डेवलप होगी, तब तक ये चीज़ें बहुत दिक्कत होती हैं। तो इसी प्रकार के जो वर्ड हैं, कैसे करना है, कैसे लिखना है, कैसे उठाना है, तो ये आपको सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और आपको मेरिट बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, अगर इनसे कहा जाए पेपर बनाओ, तो ये आपके लिए आसान पेपर बना देंगे क्या? नहीं बना देंगे। तो पहला तो कंपटीशन हमारे घर से ही शुरू हो जाता है कि इधर वाले पेपर बनाएं, इनसे चेक कराएं, इधर वाले बनाएं, उनसे चेक कराएं।
जब आप अपने अपने पेपर बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक आइडिया डेवलप होंगे आप लोगों के, क्या होंगे आइडिया। आप ये तो कह रहे होंगे हमारी बुक्स बना दो या मैडम बना दो, ये तो सभी पढ़ते हैं, तो आपको जानते ही हैं कि ये सब पढ़ते हैं, सारे सब सॉल्व कर लेंगे, तो क्या करोगे, कुछ नया करने की कोशिश करोगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर है ना सामने वाला। तो हम जब नया करने की जब मन में ठानते ना, तब चीज़ें निकल के आती हैं बाहर, नई नई चीज़ें। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आप पढ़ लो बढ़िया जगह से, पीएचडी कर लो सब कुछ करके, और आ जाओ कहोगे हम गांव में समाज सेवा करेंगे, क्या गांव वालों को ये स्वीकार हो जाएगा कि आप समाज सेवा करोगे? क्या कहोगे, साले को नौकरी नहीं मिली इसलिए यहाँ आ गया, यही तो कहेंगे ना। तो ये हमारा सामाजिक सर्कल है, जो हमारा दायरा है, जो ये दायरा ना, ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ दूसरा, कहते ना लोग जब कोई लड़का या लड़की जाता है तो बता देता है कि ये क्या करने जा रहा है, लोग बोलते हैं ना से इसकी चाल बता देते हैं, भले उड़ती पड़िया के चिड़िया के पर बता देते हैं ये क्या करेगा। तो ये जो समाज है ना, ये अच्छी तरह से बुरी तरह से हमें सब तरह से टेस्ट करता है, और इसमें हम अगर सक्सेस हो गए ना तो हमें कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता, उसका कारण बताएं, क्योंकि हम सबसे अलग तो वैसे ही हैं, मेरी चाल अलग है, अब मैंने तो देखी नहीं, मैं तो चलता हूँ, पीछे वाला बताता कि कैसी है आपकी चाल, वही बताएगा। तो हमारे साथ ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जुड़ी होने का मतलब ये है कि हमें अपने आप से चीज़ें बिल्ड करनी है और बनानी भी हम ही को है। अगर वही पीएचडी करके किसी कंपनी में, सरकारी में, अगर राजस्थान में आयोग में या किसी में डायरेक्टर बन के और कहता मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, तो क्या कहते उससे, अरे यार कितनी बढ़िया नौकरी छोड़ के समाज सेवा करने आया, क्या दृष्टिकोण है, क्या दृष्टिकोण है, पॉजिटिव है ना। ये किसने क्रिएट किया, बनाया किसने? तो अपनी वैल्यू जब हम खुद नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? तो सवेरे उठ के शीशा देखो, बोलो आई एम द बेस्ट, ठीक है ना। तो मेरा कहने वाला चीज़ें हम कैसे इंटरकनेक्ट करें और कैसे नहीं करें, ये छोटे छोटे से एग्जांपल हैं जिनसे हम चीज़ें सीख सकते हैं हर एक चीज़ की। दूसरा एग्जांपल एक और देता हूँ आपको, हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें अलग हो रही हैं, स्टेटस बनते जा रहे, सिंबल स्टेटस। अगर मैं अपने बेटे को अगर बाग से छोड़ने जाता हूँ, दूसरा क्या, अगर किसी का बेटा अगर कार से छोड़ने आता है तो वो मेरे बेटे से बात नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसका क्यों, क्लास एक है, बस एक है, यहाँ क्यों टकरा गए, अलग अलग क्यों हो गए? ये स्टेटस कौन बना रहा है, कौन बना रहा है? सोसाइटी बना रही ना। तो सोसाइटी में हमें अपनी जगह कैसे बनानी है ये कौन डिसाइड करेगा? हम। तो आई एम द बेस्ट। तो इन चीज़ों छोटी छोटी चीज़ें से कनेक्ट करते हैं। जैसे सपोज दैट मैं बताता हूँ, मेरे पास एक फ़ोन आया कि सर मुझे बहुत सारी चीज़ें ना आपकी बुक में समझ नहीं आती। तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम निकाल के ना गूगल भी कर लिया करो। अरे सर आप तो कहते गूगल कर लिया, मेरे घर वाले अगर फ़ोन हाथ में देख लें ना तो मार डालेंगे। तो ये इमेज किसने बनाई, घर वाले मुझे फ़ोन नहीं चलाने देते हैं, किसने बनाई, किसने बनाई? खुद ने बनाई है। यदि उनको लगे, अगर बड़े भैया के पास फ़ोन है, पिताजी के पास, चाचा जी के पास फ़ोन है, जब भी मौका मिले तुरंत कहो जरा फ़ोन देना चाचा जी, मुझे मुझे कुछ काम करना है, तो वो काम करते देखेंगे तो उनकी क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। क्या होगी? हमारा बेटा हमारा बेटी एक सही दिशा में जा रहा है, ये इमेज कौन बनाएगा? तो सारे रास्ते कौन बनाएगा? तो मेरा कहने का मतलब है, जो चीज़ें बिल्ड करनी है, जो भी बनाना है, खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, और कहना भी अपने आप से पड़ेगा कि जो करना है मुझे ही करना है, मेरे साथ में सपोर्टिंग हो सकते हैं। जैसे लाइट देखी आपने, ये क्या करती है, आपका रास्ता तो रोक सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकती कि आप इधर ना जाके इधर जाओ, कह सकती क्या? तो ये लोग बाधक तो बनेंगे, कुछ लोग, कितने लोग बनेंगे, रोक देंगे, गलत बोलेंगे, कुछ भी करेंगे या जो भी बोलेंगे, तो ये बाधक तो बन सकते हैं, लेकिन आपको रास्ता नहीं बदला सकते, आपका क्या नहीं कर सकते, रास्ता नहीं बदल सकते, क्योंकि आपका रास्ता है। अभी ये शायद आप लोगों ने, अगर कुछ लोगों ने अगर सोशल मीडिया करते हो तो, एक लड़की है सोनभद्र की, उसका नाम है साक्षी गर्ग,
उसने 22 ईयर्स में आईएएस क्वालिफाई किया, 350 शायद रैंकिंग उसकी। आप उसका इंटरव्यू सुनिए, मतलब गजब का इंटरव्यू, जोश भरने वाला इंटरव्यू। एक और किसी का है, वो पीसीएस क्वालिफाई किया है, अहमदाबाद का बंदा, नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, आसिफ हाँ कुछ करके नाम उसका। आप बताइए उसका इंटरव्यू सुनिए कि मेरा 8:30 बजे एक्सीडेंट होता है, 9 बजे मुझे एग्ज़ाम देने जाती है, बोले मैं मेरा सीधा हाथ सही था तो मैं लिख सकता हूँ, तो क्यों नहीं जाऊँ मैं। जब वो लिख सकता है जिस हाथ से, वो अगर सही है तो क्यों नहीं जाऊँ। ये बिल पावर कौन डेवलप करेगा? अगर मैं ही कह दूँगा मेरा तो एक्सीडेंट हुआ, मैं क्यों जाऊँ, मुझे तो हॉस्पिटल ले चलो, मुझे नहीं तो तुम तो चाहते हो मर जाऊँ मैं तो, कौन कहेगा? तो जब मैंने उस साक्षी का इंटरव्यू देखा तो हकीकत पर आऊँ हिला दिया उसने मुझे, हिला। 22 ईयर्स जहाँ लोगों को समझ नहीं होती है, सेंस नहीं होती है, उसने आईएएस क्वालिफाई किया। क्यों? क्योंकि उसके बेसिक चीज़ें सब क्लियर थी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, हाँ, शानदार इंटरव्यू है, हाँ। उन्होंने कई चीज़ें उन्होंने पूछी, हाँ कई चीज़ें उन्होंने पूछी, हाँ कैसे हैंडल करेंगे, और आपके लिए वुमेन्स की क्या वैल्यू है, उसने स्पेशल कैसे ट्रीटमेंट करोगे, उसने सारी सारी चीज़ों का एक एक सेटिस्फेक्शन क्वेश्चन दिया है। उसका सोशल मीडिया बाद में आया और बाद में इंटरव्यू छपे हैं उसका। एक उसके इंस्टीट्यूट ने इंटरव्यू लिया था, हमने वो इंटरव्यू सुना था, वही सुना था ना, तो हाँ हाँ। और उसका एक बहुत बड़ा एक इंटरव्यू के पीछे एक बहुत बड़ी पीछे साजिश थी। आप ये देखिए उस इंटरव्यू के पीछे उन्होंने पूछा कि आपने ये कोचिंग ही क्यों चुनी, पूछा था उसने, ये कोचिंग ही क्यों चुनी और बाकी कोचिंग मुखर्जीनगर में क्यों नहीं आपने देखा। तो उसका बहुत सीधा साधा जवाब था, मैं सारी कोचिंगों में लगातार क्लास ले रही थी, तो मुझे बहुत सारी क्लासेस में देखा। उन्होंने क्लास ली, नमस्ते किया, चल दिए, क्लास ली, नमस्ते किया, चल दिए। लेकिन एक क्लास में ऐसा था कि सर जब तक बिठा ले रहे, जब तक उस पर्टिकुलर बंदे के बेसिक क्लियर नहीं हुए, खुद जाके टेबल पर जा करके उन्होंने उसके बेसिक क्लियर किए, इसके बाद उसको घर जाने दिया। तो बेस्ट कौन था? जिसके डाउट क्लियर हुए, और इसलिए उस इंस्टीट्यूट को मैंने बोले ज्वाइन किया। तो हमारा मतलब ये नहीं है कि हम क्लास आए, हमने पढ़ाया, हम जाकर किताब घर जाके पटक दी, घर वालों को ऐसा दिखा दिया मैं तो कोचिंग करके आया हूँ, आप कोई काम नहीं करूँगा, हैं, मैं तो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। ये सिंबल तब आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बता रहे ना समाज ऐसा भी है और ऐसा भी है। जब आप नौकरी करेंगे, अरे लड़का देखो कितना होशियार था, दिमाग सारे दिन भागता रहता इधर उधर, देखो और नौकरी मिल गई उसको। हाल चेंज होता था लोगों का व्यू, आपके सामने कुछ और बोलेंगे, आपके पीछे कुछ और बोलेंगे। तो ये क्रिएट किसको करना है? खुद को ही करना है ना। तो ऐसी हमारे साथ में स्टडी जुड़ी हुई है। एक और मैं आपके साथ में एक शेयर करता हूँ। आप लोगों ने कितने, आप लोग आपने दादा दादी के साथ सुना होगा, वो कहानियाँ सुनाते थे पहले, सुनाते थे, किसी ने सुनी? हम तो पड़ोस में सुनाते थे, उनके यहाँ जाते थे, वो सुनाते थे, दादा थे एक दादी, उनके यहाँ बैठ जाते थे, जब नींद आने लगती तो भाग आते थे। पहले गांव में ना चौपाल जैसी लगती थी, उस कहानियाँ सुनाते थे, हम सुनते चलाते। उस कहानी को बताइए हमें कितनी याद रहती थी? लगभग पूरी। बाई चांस ही होता था जो हल्का इधर उधर जाएँ, तो क्या ये फंडा हम अपने स्टडी में यूज कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं कि हमें 100% नहीं तो 80% याद रहे? कर सकते हैं? कैसे करेंगे बताओ, आप बताओ। जब आपको कहानी 80% याद रह सकती है तो आपका पढ़ा हुआ क्यों नहीं? हाँ मैडम बताएं। हाँ अभी मैंने आपको नेशनल आइडल ऑफ इंडिया कैसे बताया, कहानी के तरह ऐसे नोट्स को बनाओ कहानी। हमेशा वो टीचर बहुत अच्छा होता है जो चीज़ों को बिना लिखे इन द सेंस, जो टिपिकल वर्ड है वो नोट कराए, बाकी जनरल कहानी सुनाए। मेरे एक सर हुआ था करते, सिविक्स पढ़ाते थे मुझे 12th में, मुझे याद है वो कभी कुछ किताब लेके नहीं आते थे। एग्जाम्पल कैसे देते थे वो, बोले किसी घर में नई बहू आई हो तो उसकी क्या करती सास, सारे गुच्छा चाबी निकाले कि पकड़ा दो तुम संभालो।
इसका एग्जाम्पल उन्होंने कैसे दिया? इसका एग्जाम्पल उन्होंने मुझे दिया कि राजपाल तो मालिक है ही, वो तो सास है, जानता से कोई नहीं है, लेकिन बहू को सब जानते हैं, ये फलाने की बहू है, ये नई कपड़े पहन जा रही, ये जा रही साड़ी पहन जा रही, उनकी फलाने की बहू है नई, अभी शादी हो गई लड़के की, जानते हैं ना। इसी तरह मुख्यमंत्री के भी काम ऐसे ही होते हैं कि सारा काम लिया, उनको पकड़ा दिया, कैसे करना है इसका डेवलपमेंट, ये आप जानो, आज के बाद हमारा कोई काम नहीं है, हमसे तब पूछने आना जहाँ आपको प्रॉब्लम हो। यही होता सास का रोल। क्या हम ये चीज़ें अपने बेसिक लाइफ में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? इनको कहते ज़रूर हैं, कहते ज़रूर है कि हम चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन आप देखिए सर्कल है पूरा। रंगनाथन की थ्योरी पढ़ी है ना, एक चीज़ें सॉल्व करने के लिए जब दूसरी ख़त्म करते हैं तो फिर दूसरी समस्या शुरू हो जाती है, फिर दूसरी ख़त्म करते हैं तीसरी हो जाती है, सर्कल है ये, लाइफ का सर्कल ही ऐसा है। तो हम जब सर्कल में हैं और हमें पता है कि हमें कहीं ना कहीं आपस में टकराना है, तो क्या हमारे साथ इनके साथ लड़ाई हो, आपस झगड़ा रखना चाहिए कि दो दिन क्लास नहीं आए, बता दो मैडम ने क्या पढ़ाया, अरे हैं तब तो तुम दो दिन आए नहीं थे, हम क्यों बता दें, हैं? तो हमारी निगेटिविटी अपने आप से शुरू होती है और वो अपने आप को हमेशा ही ख़त्म करती है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आ जाता हूँ मैं अपने घर पर ही। मेरा बेटा है 5 में पढ़ता है, उस दिन एक दिन कहा पापा ना कि मुझे ना फ़ोन चाहिए आपका। मैंने कहा बेटा तुम्हें फ़ोन की क्या ज़रूरत है? बोले आपको क्या पता, मुझे बहुत काम पड़ता है, आप तो आते हो फ़ोन पे लगे रहते हो, उसको किताब खरीदवा दो, उसको खरीदवा दो, इसके बता दो, ये बता दो, ये वहाँ से मिलेगा, हमारा कोई काम ही नहीं करते हो, बड़ा टेंशन में, उसको फ़ोन क्यों चाहिए? मैंने उसकी माँ को बोला, हमारे घर में परंपरा है, हम लोग मतलब कभी भी बच्चों से डायरेक्ट, मेरे पिताजी हमसे डायरेक्ट बात नहीं करते थे, हम क्या बोलते थे, माँ को जाके बताएंगे, माँ जाके पिताजी को बताएगी। हमने उसकी माँ को पूछा, हमने ये फ़ोन क्यों मांग रहा था, तो वो उसने पूछा होगा तो बताया मुझे शाम को कि इसलिए मांग रहा था कि वो बच्चों को आजकल प्रोजेक्ट बहुत मिलते हैं, तो उसको कहा टाइम्स ऑफ इंडिया की ना 10 जो हेडिंगें आई वो लिख के लाना। तो हमने कहा कोई बात नहीं कि सिस्टम घर में है, कंप्यूटर घर में, लैपटॉप घर में है, तो कर लीजिए। तो हमने उसको शाम को खाना खाते से ही बोला, हमने क्यों बेटा, हमने घर में लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, नेट कनेक्टेड है, कोई दिक्कत ही नहीं, सब कुछ है, हैं? आप तो कहते हो कंप्यूटर चला लो, आप क्यों नहीं चलाते उस पर? हम खोलेंगे उसको, ऑन करेंगे, पावर बटन दबाएंगे, टाइपिंग करेंगे और अपने बॉय से क्या करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया नाउ आ जाएगा, बोले हाल दिखा देंगे आपको, नोट कर लेंगे, शॉर्टकट है। तो हम अपने आप को कैसे अपडेट करते हैं ये हम ही को पता होना चाहिए ना। नहीं पता है तो हम सीख सकते हैं दूसरे से, जो चीज़ नहीं आती है किसी को फ़ोन करेंगे। मुझे लगता नहीं, जैसे अमित सर की बुक पढ़ी होगी आप लोगों ने, कहीं लगता है डाउट हो तो आपने कितने लोगों ने फ़ोन किया, उनको पूछा कभी, फ़ोन करके पूछा? नंबर है अवेलेबल सबके आजकल, जो आज के डेट में ऑथर हैं वो ऐसे ऑथर नहीं हैं जिनके नंबर ना मिले हैं, सब लाइव रहने वाले हैं, वहाँ नहीं मिलेंगे, फेसबुक मिलेंगे, फेसबुक नहीं व्हाट्सएप पे मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे ज़रूर। तो मेरा कहना है किसी की अगर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, उनके विचार अगर आप पढ़ रहे हैं, जब विचार पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि उससे एक बार बात करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए हमें जुड़ना, जुड़ना मतलब आपने कि वो एक टॉपिक पढ़ाया होगा मैडम आपने, इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेस पढ़ा, अच्छा अभी नहीं पढ़ा, अभी नई बैच चाहिए, अच्छा अच्छा बोल मैं, हाँ तो उसमें क्या है कि हमें चीज़ें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, तो हमें उन इन्फॉर्मेशन को कैसे ला के रखना है, उसमें एक वर्ड आता है पैकेजिंग और रीपैकेजिंग। तो रीपैकेजिंग का मतलब समझ रहे, एक वर्ड आता है पैकेजिंग, रीपैकेजिंग या कंसोलिडेशन, पता होगा आपको, नहीं पता, चलो मैडम आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। उसमें क्या होता है, जैसे सपोज दैट आपने किसी मिनिस्टर को देखा बोलते हो कभी, लोकसभा में जैसा टीवी हारा होती है, वो बहुत फैक्ट लेके आते हैं, लेके आते हैं, ऐसे ही हमारा इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेशन और रीपैकेजिंग का सेम वही अर्थ है। क्या है, जब कोई आईएएस या मेहता आता है तो आईएएस क्या करता है, उसको अपने क्या करता है, ओवरव्यू ड्राफ्टिंग बताता है कि सर ये 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 केस था, उसमें ये निकल के आया, ये फाइंडिंग्स है, ये उसका रिजल्ट रहा। तो क्या करते हैं हम, अपनी चीज़ों को वो चीज़ें लें जो हमें वास्तविक ज़रूरत है, हम दुनिया भर की आला ना बताएं। तो हमें भी ये तय करना पड़ेगा कि हमें, जैसे अभी हम, मेरे पास फ़ोन आता है, अरे सर आपने थर्ड ग्रेड के लिए स्पेशल बुक क्यों नहीं निकाली,
फिर मेरा वही क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा बताओ, अपनी आवश्यकताओं को केवल अपनी समझ के काम करना ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक बताता हूँ, जब आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होगी, थ्योरी मतलब समझ रहे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, और जब एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा तो आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा होगा। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, हम पहले सुना होगा ना क्या, पुराने पुराने जो टीचर होते थे मेरे पिताजी के या पिता चाचा जी के जो टीचर होते थे, वो दूर से मिल जाते, गुरुजी चरण स्पर्श बोलते थे काम, अभी भी बोलते हैं कई बार, और जाके पैर भी छूते थे। क्यों? क्योंकि वो सम्मान होता था उनका, वो देते कुछ नहीं है लेकिन उनको ये पता है कि उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया है जो आज हम कहीं नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमें अच्छे बुरे की समझ है, इसलिए रिकॉर्ड करते थे उनका। उन्हीं का अगर नाती किसी दुकान पर जाकर, पान वाले की दुकान पर जाकर के और सुट्टा मारे तो क्या कहोगे, क्या कहोगे कि फलाने का नाती या फलाने का लड़का वो ऐसे हरकत कर रहा था। हम फिर वापस वहीं आते हैं, अगर उसके पिताजी ने उस बच्चे के, उस दादाजी के इतिहास के बारे में उसे थोड़ा सा बताया होता कि आपके बेटे दादा की ये वैल्यू थी, इन गांव में लोग उन्हें बहुत जानते थे, इनका सम्मान करते थे, और ऐसे काम मत करना जिससे उनकी छवि को नुकसान हो, क्या गारंटी बताइए दोबारा वो सिगरेट पीता क्या या पीना शुरू करता क्या? नहीं पीता। तो हमारे परिवार की हिस्ट्री, हमारे परिवार समझ रहे हैं, हमारे परिवार की हिस्ट्री अपने आप को ले लो, और हमारे डिस्ट्रिक्ट की, हमारे राजस्थान की हिस्ट्री हमें नहीं बताएगा, अगर हम बाहर से आकर बताएंगे तो ये क्या आपके लिए सही होगा, सही होगा तो कौन बताएगा? हम जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, क्या हमें ये पता है कि उस गांव का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, उस गांव को किसने बसाया था, उस पंचायत को किसने शुरुआत की थी, पहले कौन रहता था उस पंचायत के बाद हमारा जो ब्लाक डेवलप, ब्लाक होता है वो किसने डेवलप किया था, कब शुरू हुई थी। फिर हम डिस्ट्रिक्ट पे आ जाएँ और डिस्ट्रिक्ट बाद हम चार ज़िले लें, पांच ज़िले लें और जाकर के पूरा राजस्थान कवर करें, तब जाके हम राजस्थान के लायक होंगे। गलत कह रहा हूँ कि सही बोल रहा, बताइए तो किसके लायक होंगे? अगर हम राजस्थान से बाहर जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? फिर हम दूसरे स्टेट का लेंगे, फिर तीसरे लेंगे, चौथे लेंगे, सर्कल बनाएंगे तो क्या करेंगे? तो बाहर जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि सारी चीज़ें कहाँ से शुरू करनी पड़ेंगी? खुद से। पहले हमें घर का इतिहास जानना है, अच्छा बुरा जो भी है संशोधन भी हमें करना है। सपोज दैट किसी के फादर मान लो पीते थे और उसकी सामाजिक वैल्यू ख़त्म हो गई, अगर उस लड़का, आपने सुना होगा बहुत सारी चीज़ें ना, किसी रिक्शा वाले की बेटी आईएएस हो गई, किसी की एमबीबीएस में टॉप कर लिया या किसी ने कुछ भी कर लिया, ये कैसे होता है पता आपको? कैसे होता है? उसके कारण वही होता है, अपने परिवार की हिस्ट्री को बदलना, ये उसके अंदर एक सेंटेंस बनता है कि इस समाज में या इस मोहल्ले में मुझे अपने परिवार का सबसे अच्छा फैमिली बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको आगे आना पड़ेगा, इसके बाद आपके भाई पीछे होंगे। कौन जाएगा आगे?